जय श्री राम, जय बालाजी की। आज हम आए हैं जटवाड़ा, सुबह के बज रहे हैं 4 और मावस का दिन है आज 17 सितंबर 2020। और हमारे सीताराम जी हैं। आओ सीताराम जी, मेरे को घर पर लेने आए थे। मैं इनके घर पहुंच चुका हूं और इनके घर में सांप आ गया। इनका पैर रखा हुआ गया उस पर, चूल्हे के पास बैठा है। देखते हैं कैसा सांप है, बताते हुए काला बता रहे हैं, कोबरा, ब्लैक कोबरा। देखते हैं कौन सा शाप है, तो कैच करते हैं। लो जी सीताराम जी, बाबा का मगन है, बाबा का है ना। हाँ। आप नीचे बैठो, जोर से ना, पहली तरफ है भाई साहब। तू है कि नीचे? हाँ हाँ, पहली तरफ देखो। अच्छा। बीच में चढ़ ले, तू एक बना ले मुरारी, एक अंदर ही रहना चाहिए भाई साहब। एक न्यूनी पकड़े रहे भाई साहब, फोटो आनी चाहिए न्यूनी। स्पेक्टिकल कोबरा है, शानदार कोबरा है और बहुत प्यारा है। आजा भाई आजा, कैसे डर रहे हैं सब ये दादा। अब तुम 4 बजे जगा दिया मेरे को यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर भाई साहब। घबरावत करते बिल्कुल, मैं तेरे को लेकर आऊंगा। और तुम यहाँ गलत जगह पे आ गए हो महाराज, बहुत गलत जगह पे आ गए हो, बहुत गलत जगह। और आज माउस का दिन है, कहाँ घूम रहे हो? और हम तो बड़े 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 बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि माउस के दिन तो सांप भी बम भी नहीं छोड़ते, और आप यहाँ घूम रहे हो घर के अंदर। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, क्या विचार आपका ये बताओ। शांत शांत नागराज, शांत बढ़िया, आराम से कैसे आए और क्यों आए? ये घबरा के सारे दिखाओ जी, सबको दिखाओ, इनको दिखाओ, सबसे लो सबकी फोटो। ये घबरा रहे हैं आपसे, और आप आ गए यहाँ पर। लोग बताते हैं भाई घर के, कई बार घर के होते हैं ना, परंतु ये क्या है, ये जीव जंतु होते हैं और भूले भटके आ जाते हैं, भूले भटके केवल चूहों की तलाश में, चूहा की तलाश में। और सीताराम जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका कि आप ऐसे जीव जंतु को मारते नहीं है। अरे 20-20 नहीं, माउस हो या पड़वा हो चाहे पूनी हो, कभी इन जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है जो चूहों की आबादी कम करते हैं। गोर्रा है, गोर्रा अपनी खड़ी फसल के अंदर कीट पतंगे खत्म करता है, कीट पतंगे जो लग जाते हैं फसलों में उनको नाश करता है। और ये जो प्राणी है, ये जो चूहों की आबादी को कम करता है, अगर चूहे ज़्यादा हो जाएंगे तो अपना जो कमाया हुआ धान है, पैदा करा हुआ धान है, वो नष्ट करेगा वो। और गंदगी में डोलता है चूहा, फिर आके अपने भोजन में मुँह लगाता है, तो उससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये बहुत मतलब अच्छा जीव है। शांत शांत शांत, तो इनको नहीं मारना चाहिए,
ऐसा मेरा मानना है। महाराज शांत हो जाओ, बिना शांत हुए तो जाएगा नहीं, शांत नहीं होगा जब तक जाएगा नहीं। तो आज 17 तारीख होगी ना, 17 शांत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। माहौल डर लगा सब। मैं टेंशन लगता है। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यार। ये बहुत मतलब सीधे साधे जीव जंतु होते हैं, इनको किससे कहानियों ने बदनाम कर दिया है, और खासकर इनके ऊपर फिल्में ज्यादा बनी है, फिल्मों ने इनको बदनाम पूरी तरह से कर दिया है। पर ये जीव जंतु है, आगे जाना कैसे आगे, ये तीसरी बार निकला है ना, पहले भी एक बार कटो ना। नाग देवता प्रसन्न है, देवी देवता सब प्रसन्न है आपके ऊपर। तो रात को 12 बजे पेड़ पे निकल गया। ये जीव जंतु उनके उनके ज्यादा निकलते हैं जिनके ऊपर देवी देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर प्रसन्न मान तो डर लागत मान दी तो लगता है, घूमो फिरो मन मान तो आप लोग सबसे अच्छी बात यह है, डर तो आपको लगता है, तो आप लोग क्या है कि इनका मान सम्मान करते हैं, इसलिए है कि नहीं मान सम्मान तो करा पर मान दी के कि परमेश्वर को गुण गा मर दब जाम कोटि मान तो दी के मत ना मान तो डर लागत परमेश्वर दी के एक दिन नाग एक बार और दिखाऊं सबको वीडियो में। आप मैं तो यही करा था भाई, ज्यादा मत करते ही, ज्यादा उम्र के नहीं है ये नाग देवता, खेत के 16 से 17 साल की उम्र भी नहीं होगी इनकी, शायद लगभग 13-14 साल के होंगे ये, और बहुत सुंदर सांप है। देखो ना कशियों के सब परमेश्वर की आप ऊपर से शांत जाओ नागराज, हम तुम्हें लेने आए हैं सुबह 4 बजे सीताराम जी ने भगवान का कोई तो परमेश्वर उन्हीं को भगवान को नाम निर्मित का दर्शन करिया था। बस ऐसा है ये जीव जा मारा जामी बैठ जा, शांत है बैठ जा, इसके नेचर में छोड़ देंगे, कोई बात को ना मासू, कोई गलती है गिली परमेश्वर मासू गलती है गिली थारी तू जाली जर माँ की अंधेरी है भाई, थारी तू जाड़ के माँ की अंधेरी जे परमेश्वर है, तू आ गयो बहुत बढ़िया से, पर तू जा शांत है जा, अब तो शांत है जा महाराज, जा मैं मत जी की मार दे छोरा जल्दी में, क्या गर्भवती लगा तू यहाँ की पेटी या गर्भवती लगवा दी मत, देख आज तो सुसारे से जाओ। मैं कर रहा हूँ बात। शांति से बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, शांत रहो शांत। मैं भी वन्य प्रेमी हूँ, आप जैसे जीव जंतु को बचाता रहता हूँ। अब काफी देर हो गई, मेरी 2 दिन गाड़ी आने वाली है, छोटा सा दुकानदार आदमी हूँ, चले क्या चले, वो भी पकड़ रहे चले, मैं तुम्हारे नेचर में छोड़ दूंगा जंगल में, मस्त रहना एकदम जगह जगह। जा परमेश्वर जा, चले लाओ जी लाओ।
इसमें छेद हो रहे हैं, बढ़िया ऑक्सीजन मिल जाएगी आपको। कोई 50-60 छेद है ऑलरेडी कर रखे हैं मैंने। इसमें बैठ जाओ आराम से, वो पानी की जरूरत नहीं है 1% भी। डर रहे हैं सब के सब। ये देखो लगेगी नहीं क्या? शांत शांत शांत, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। आ जाओ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा जा आ जाओ जा आ जाओ जा बैठ जा। ढक्कन कर रही तरह योर थांग पचे थांग पचे तो हमने मैंने इस नाग देवता को कैच कर लिया है और गुस्से में तो थे ही। हमारे सीताराम जी भाई साहब हैं, सीताराम जी लोधा, इनके परिवार में निकला है। इसको सुबह 4 बज रहे हैं। सीताराम ने कहा जा तू सीताराम को पग दलाम मार दियो। इनका पैर भी रखा हो गया, कोई बात नहीं है। तो इसको हमने इस जार में बंद कर लिया। इसमें काफी सारे छेद है, कम से कम 50-60। हम इसको इसके नेचर में छोड़ देंगे रणथंभौर के जंगलों में, जिससे इसकी जीवन जिएगा। अब इसके पास बहुत सारा जीवन फड़ा है, कम से कम 45-50-55 साल तक जीते हैं। लगभग इसकी 13-14-15 साल से ऊपर ज़्यादा उम्र नहीं है। अभी किशोर अवस्था में है, जवान शाम है। तो हम इनका नहीं कोई इनका शुक्रगुजार हैं। पैर रखा जो नहीं, पैर रखने से कुछ नहीं होता, आप घबराओ मत बिल्कुल भी। जीव जंतु आ जाते हैं, तो इनके माध्यम से इसको मैं पकड़ रहा हूँ। तो हम तो यही कहेंगे मेरे यूट्यूब के माध्यम से, और आप सभी कहेंगे कि ऐसे जीव जंतुओं को कहीं भी जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं वो ना मारें, क्योंकि ये जीव जंतु पृथ्वी पे होना बहुत ज़रूरी है। इनकी बड़ी कमी हो गई है, आए दिन इनको लोग बाग देखते ही आवेश में मार देते हैं, और ये विलुप्ति के कगार पर है। जिस दिन ये लुप्त हो जाएंगे उस दिन देश दुनिया में महामारी फैलेगी, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलेगी, क्योंकि ये ऐसे जीवों को ख़त्म करते हैं जो बीमारियों से हमें मुक्त करते हैं। वो जीव जंतु रहेंगे, वो छोटे छोटे कीटाणु जीव जंतु उनको ख़त्म करते हैं ये। और चूहा जैसी प्रजाति जो गंदगी में डोलता है और अपने भोजन में आके मुँह लगाता है, उसको ये नियंत्रण करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो इसलिए ऐसे जीव जंतु होना ज़रूरी है जो हमारी बीमारियां जो फैलाते हैं उनको खत्म करने में ये सहयोग रखते हैं। तो ऐसे जीव जंतु होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम मैं यही कहूँगा ना हमारे। और तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो इनके लोगों को दे सकते हो। मर्दी वगैरह परमेश्वर मान करता है, मर्दी वगैरह ये जान मार।
का जीव कोई पड़या था अंदर यो जमा के तो रुकाली बुआड़ के बीच में बैठे थे ने यो जो रुकाली नहीं के भरोसे जमे मार हो गए और जुआ तो जुआ जी जो पर में इतना मत था रुकाली नहीं बढ़ती पानी पका नहीं जपड़ी सुनिया क्या कहोगे सीताराम जी आप क्या कहेंगे आपने बहुत अच्छा कार्य किया पकड़ के पूरा परिवार सहमत है आपके पकड़ने से जीव को दोबारा देखेंगे दोबारा पकड़वाएंगे मिलेगा तो हाँ इसके जीव उत्थान के लिए इसको वापस जगह मिलेगी बढ़िया जगह यहाँ से दूसरी जगह पे हाँ चलो ठीक है जय बालाजी तो हम इसी के साथ में इसको लेके चलेंगे और मुझे भी संतुष्टि है कि ये जीव पकड़ा हुआ आया और तो आपके लिए मैं इसको लेके चलूँगा और वीडियो में बने रहे हम इसको रिलीज करेंगे आप देखिए जय श्री राम जय बालाजी की जय हिंद जय भारत और गर्व से बोलेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम जय श्री राम जय बालाजी की जय।